तो वेलकम वैलो, कहानी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो आप ये लड़की देखिए, कैसी दिख रही है ये। अभी हमारे इस लड़की को एक स्पेशल फोर्स में काम करना था, यानी कि एलियन पकड़ने वाली फोर्स में। अभी पायलोग ये दुनिया थोड़ी सी हाईटेक थी। बाहरी दुनिया से जो एलियन आते और उनमें से जिन जिन के पास लाइसेंस होता उनको ही ये MIB स्पेशल फोर्स पृथ्वी पर रहने देती। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आ गई थी जब अलग ही ग्रह से दो एलियन अटपके थे पृथ्वी पर, और उन दोनों एलियनों ने मिलकर एक शख्स को मार गिराया था और उसका अवयव हासिल कर लिया था। और MIB की स्पेशल फोर्स जिसमें हमारी यह लड़की भी शामिल थी, उसे एक चिकना हीरो मिल चुका था और उन दोनों को मिलकर पृथ्वी पर मौजूद एक एलियन को बचाना था, जिस एलियन को वो दोनों राक्षस एलियन मारने के लिए आए थे। MIB के दो एजेंट पब में जाते हैं। अभी पब का रास्ता भी थोड़ा सा चिलमिला है, जरा देखिए। ये भी दोनों एजेंट पृथ्वी पर मौजूद एलियन को अपनी कार में बिठाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी आगे जाकर उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा ये दोनों एजेंट देखते तो उन सारों के तोते उड़ जाते हैं। वो दोनों अपनी एंटिक गन से बाहरी ग्रह से आए हुए दोनों एलियनों पर वार करते हैं, लेकिन वो दोनों एलियन भी मामूसाने थे। उन दोनों एलियनों पर किसी भी गन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। हमारे ये दोनों एजेंट अपनी कार से अलग अलग हथियार उठाकर उन दोनों एलियनों पर वार कर रहे थे, लेकिन ये सारा तामझाम नाकामयाब साबित हो रहा था। मौका मिलते ही वो लड़की पृथ्वी पर मौजूद एलियन के पास जाती है, जहाँ पर वो एलियन उस लड़की को एक डिवाइस देता है जो लड़की अपने पास रख लेती है। थोड़ी देर में वहाँ पर MIB की स्पेशल फोर्सें आ जाती है और ढेर सारे बंदों को देखकर वो बाहरी दुनिया से आए हुए दोनों एलियन वहाँ से खिसक लेते हैं। जब MIB की ऑफिस में मीटिंग होती है, वहाँ पर यह साबित होता है कि पृथ्वी पर मौजूद जो एलियन है वो पृथ्वीवासियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन ये साला बाहरी ग्रह से जो आए हुए दो एलियन है वो दोनों पृथ्वी को खत्म कर देना चाहते हैं। हमारे MIB की टीम के पास भी एक एंटिक ट्रेन थी जो कहीं पर भी आसानी से उड़ सकती थी। हमारे कुछ कुछ एजेंट मिलकर उन दोनों साथी एलियनों को ढूंढ रहे थे जो कि पृथ्वी को नेस्तनाबूद कर देना चाहते थे, लेकिन वो दोनों सारे एलियन वो भी चिकनी आइटमें थी। वो दोनों एलियन MIB के हाथ में ही नहीं आ रहे थे। MIB के हमारे दो खुफिया एजेंट यानी कि रोक और वो छोटी सी छोकरी, वो दोनों मिलकर रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। लेकिन भाई लोग, वहां पर होता है बहुत बड़ा धमाल धमाका, क्योंकि वो छोटा सा डिवाइस अचानक से एक पावरफुल एंटिक गन बन जाता है और वो दोनों एजेंट देखकर साले बौखला जाते हैं कि ये साली क्या बावली आइटम है। वो दोनों गलती से एक फायर करते हैं और वो जो वहां पर तबाही मचती है ये आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। अभी भाई लोग, यहाँ पर हमारे ये दो एजेंट को पता चल चुका था कि इसी हथियार से उन दोनों साथी एलियन को मार सकते हैं। वो बड़ी सी एंटी गन वापिस अपने लॉकेट जैसे रूप में आ पहुंचती है, लेकिन तभी वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक छोटी सी मामूली सी एलियन उस लॉकेट को चुरा कर वहां से निकल लेती है। हमारा एजेंट रॉक अपनी साथी पार्टनर से कहता है कि वो साला एलियन छोटा मोटा सा वो दूसरे एलियन के पास गया है जो कि है एक लड़की, और वो ऐसे बड़े बड़े हथियारों की सौदेबाजी करती है, इसीलिए बिना समय ना गवाइए रोक और वो छिलमिली छोकरी MIB वाली वो दोनों पहुंच जाती है उस एलियन के अड्डे पर। वहां पर हमारा रोक डेढ़ सानी बातें करके उस बड़े से हथियार को हासिल करना चाहता था, लेकिन वो नाकामयाब साबित होता है। लेकिन चुपके से वो छोटी मोटी छोकरी MIB वाली वहां पर पहुंच जाती है और वो लॉकेट लेकर अपने साथी रोक के साथ वहां से आराम से निकल लेती है। जैसे ही वो दोनों आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सारा पहाड़ मिट्टी में मिल चुका है, और ये खौफनाक नजारा भी देखिए एक बार भाई लोग। आप सामने दिखाई देते हैं बाहरी ग्रह से आए हुए दो एलियन जो कि रोक और उसकी साथी पार्टनर को मारने वाले थे, लेकिन तभी पीछे से MIB के कुछ आइटम वहां पर पहुंच जाती हैं और उन दोनों एलियनों को मार देते हैं। MIB का एक बड़ा ऑफिसर उस लॉकेट को लेकर वहां से अपने ऑफिस में चला जाता है, और MIB के ऑफिस में सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं कि पृथ्वी पर एक जो बड़ा संकट था
वो टल चुका है। MIB की ऑफिसर ये सोच रही थी कि जब वो दोनों डेढ़ सने एलियन उसे और उसके साथी रॉक को मारने के लिए आए थे, और उसी वक्त पर ये MIB वाले कैसे वहां पर पहुंच गए, क्योंकि रॉक और उस लड़की ने MIB वालों को अपनी लोकेशन तो बताई नहीं थी। और जब वो ऑफिस में तामझाम देखते हैं तो वो देखते हैं कि लॉकेट भी ऑफिस में नहीं है और MIB का बड़ा ऑफिसर यानी कि MIB का हेड भी वहां पर मौजूद नहीं है। वो दोनों हेड की लोकेशन निकालते हैं और नीचे से अपनी एंटीक कार लेकर हेड के पीछे पीछे एक बड़े से टावर पर पहुंच जाते हैं। हमारा रॉक अपने हेड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेड अपने असली स्वरूप में आ पहुंचता है, क्योंकि भाई लोग MIB का हेड तो पहले ही मर चुका था और ये एलियन जो बाहरी प्लेनेट से दो एलियन आए थे उन सभी का बॉस था, और वो लॉकेट लेकर अपने ग्रह से ही वो पावरफुल गन चलाकर पृथ्वी और सारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह थे उन सभी को खत्म कर देना चाहता था। वो बड़ा मामू एलियन हमारे रॉक पर तो भारी पड़ ही रहा था, लेकिन वो अपनी छोटी सी पूंछ से लड़की को धक्का दे देता है, और भाई लोग वो एलियन का रास्ता सीधा जा रहा था एलियन के ग्रह पर, और लड़की उसमें समाने ही वाली थी। लेकिन एक छोटा मोटा सा पीदू सा एलियन जो कि लड़की के साथ था, वो हमारी लड़की को किसी भी तरह से उस चिकनी आइटम को बचा लेता है। जैसे ही लड़की नीचे आती है तभी वो अपनी धुआंधार गन से उस खोपड़ी एलियन पर वार करती है और उस एलियन को वहीं के वहीं डिस्क्लोज कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी अपने भाई को कमेंट में 2-4 गालियां देकर बताना।